निकालना है। Calculate the number of particles in each of the polygon. You have to calculate the number of particles. Okay. Yes, Bhavansh. Which formula we will apply if we have to calculate number of particles? Bhavansh. The number of molecules is equal to given mass upon atomic mass upon molecular mass into a certain number. Means हम सबसे पहले ये have to calculate number of right number of small and हाँ जी नहीं बेटा number of particles number of atoms number of molecules then we have to use this formula n is equal to n into n naught we have to use this formula ठीक है अब first इसका statement क्या कह रहे हैं 46 gram of we are saying 46 gram of sodium 46 gram of sodium atoms they are saying calculate the number of the particles in the 46 gram of sodium atom now what we will do hame nikalna hai number of particles maine formula laga diya ye right given kya hai mujhe mass so that is this formula will break into small m upon capital m into n naught right ab iska se small m hamare paas given hai 46 theek hai aur hame given hai sodium sodium ka molecular mass kya hai molecular mass of sodium molar mass then molar mass अच्छे गिव गिव द आंसर ऑफ दिस थिंग ना सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है व्हाट इज द मास नंबर एटॉमिक नंबर 11 है एंड मास नंबर मास नंबर 23 एंड एवोगाड्रो नंबर 6.022 into 10^23. ठीक है आंसर इज दिस इज योर आंसर इसको नहीं पता लग रहा पूछ लो बच्चे स्विच ऑन योर वीडियोस आई वांट टू सी योर फेसेस स्विच ऑन योर वीडियोस होते हैं पता चले मुझे बट इज एक्चुअली यू आर अंडरस्टैंडिंग और नॉट इज इट क्लियर पवांश इट इज क्लियर बेटे ठीक है नेक्स्ट है 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल नाउ दे आर सेइंग 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल नाउ व्हाट वी विल डू कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ पार्टिकल्स फॉर्मूला इज कैपिटल एन इज इक्वल टू स्मॉल एन इनटू एन नॉट राइट गिवन हमें हमें मास गिवन है सो दिस एन विल ब्रेक डाउन इनटू एम अपॉन एम मल्टीप्लाई एन नॉट एन कितना गिवन है 8 ऑक्सीजन मॉलिक्यूलर मास निकालना मुझे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का बताओ 16 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
O2 is, that is 32. क्योंकि मॉलिक्यूल है, एक ऑक्सीजन 16, नीचे 2 है, मल्टीप्लाई विद 2, दैट इज 32. मल्टीप्लाई विद एवोगाड्रो
That is 1.50. This will be your answer. सिर्फ दो तीन बच्चों के टेस्ट ठीक थे. अगेन आई एम टेलिंग नव्या दिव्या जिया रेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स प्लीज फोकस ऑल दीज थिंग्स. नाउ इज इट क्लियर बेटे? इज इट क्लियर? नाउ द नेक्स्ट सम इज 0.1 मोल ऑफ कार्बन एटम. आई एम डूइंग इट हियर. थर्ड है 0.1 मोल ऑफ कार्बन एटम में नंबर ऑफ पार्टिकल्स के नंबर ऑफ पार्टिकल्स बट वी हैव टू डू कैपिटल एन इज इक्वल टू स्मॉल एन इनटू एन नॉट. ठीक है, अब गिवन क्या है हमें 0.1 मोल. तो ये वाला फार्मूला अब ब्रेक नहीं होगा. ये वाला फार्मूला ब्रेक नहीं होगा जबकि यहाँ पे ये फार्मूला ब्रेक हुआ था. वहां पे अब ये फार्मूला में नॉट ब्रेक. वी विल राइट डाउन 0.12 एवोगैड्रो नंबर. एक जीरो का नीचे पॉइंट है, डेसिमल से नीचे 10 आ गया, 22 हो जाएगा. ये देखो यहाँ पे 10 आ गया, एक यहाँ से कट जाएगा 23 का. आंसर विल बिकम 0.22 × 10^(22). ठीक है, और एनी डाउट? डाउट है? क्लियर है? ठीक है, दीक्षा क्लियर है? ओके, नाउ सी वन अनदर. किस मैम? हाँ जी बोलो बेटे. मैम जब जो ये वाला फॉर्मूला है एन इनटू नॉट वाला. यस मैम. मैम ये तब लगेगा जब इन्होंने पार्टिकल्स पूछे होंगे. कितने पार्टिकल्स? एटम्स, मॉलिक्यूल. ओके मैम. नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो, नंबर ऑफ एटम्स है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, देन वी हैव टू अप्लाई दिस. व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द मोल्स देन वी विल अप्लाई दिस. एम पर स्मॉल एम अपॉन कैपिटल. ठीक है. ओके मैम, थैंक यू. देखो बैक एक्सरसाइज के आपके क्वेश्चन है. मास ऑफ दे आर सेइंग कैलकुलेट द मास ऑफ वन मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम. कैसे निकालेंगे? क्या निकालना है? धैर्य. विच फार्मूला वी विल अप्लाई ओवर हियर? स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम इनटू एवोकाडो नंबर. बिकॉज मोल गिवन है, स्मॉल एम. गिवन क्या है? मोल. वन मोल मास आपको निकालना है. मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन एटम दैट इज 14 विल गो देयर. 14 ग्राम दैट इज योर मास. मैम हमने इसमें एवोकाडो नंबर क्यों नहीं यूज किया? व्हाई वी विल यूज? बिकॉज वी डोंट हैव टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ द पार्टिकल्स वगैरह. हियर वी हैव टू कैलकुलेट द मास. व्हाई वी आर अप्लाइंग? In the same question, 4 moles of aluminium atom. Mass nikalna hai, 4 moles of aluminium atom. Now, again, n is equal to small m upon capital N. 4 moles given hai, m aapko calculate karna hai. Aluminium ka atomic number hota hai 13. So, mass number kitna ho gaya iska? 27. That is your answer. ठीक है,
एक क्वेश्चन आपकी बैक एक्सरसाइज पे और है, गिव द नेम्स ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन, अगर आपका क्वेश्चन आता है गिव द नेम्स ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन, दिस क्वेश्चन डेफिनेटली वी विल आस्क, गिव द नेम्स ऑफ एलिमेंट, है ना। सपोज अगर उसने बोला बेकिंग सोडा नेम, names of element बताओ, what is the formula of baking soda, आपको आता है, what is the formula, NaHCO3, now name of the elements, अब इसके elements कौन कौन से है, sodium, hydrogen, carbon, oxygen, इसके elements कौन कौन से है, sodium, hydrogen, carbon, oxygen, these are the elements present in the baking soda, ठीक है, what is the name of the elements present in the hydrogen bromide, formula of hydrogen bromide is HBr, HBr, तो elements कौन कौन से present है इसमें, hydrogen and bromine, hydrogen and bromine, hydrogen and bromine, bromide नहीं, वो formula बनता है, अगर आपके पास है, अच्छा आपको इसका formula आता है, quick line, CO, CaO, मैंने शायद याद करवाया हुआ कि पता नहीं, quick line, बट line के ना तीन मतलब हमारे पास compounds होते हैं, इस line के, मतलब एक होता है quick line, एक होता है straight line, I am writing here. एक होता है स्ट्रेट लाइन जिसको हम लाइन वाटर भी बोलते हैं, एंड अदर वन इज थर्ड वन इज कैल्शियम कार्बोनेट होता है लाइमस्टोन, लाइमस्टोन दैट इज ठीक है। अब जो क्विक लाइन है, क्विक सी ए ओ, what is lime, CaOH2, and limestone that is CaCO3, ये तीन compounds होते हैं calcium के, one is called quick lime that is CaO, other is slate lime or lime water, calcium hydroxide and other one is calcium carbonate. अब name of the elements present in this, तो हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है, वन इज कैल्शियम एंड वन इज ऑक्सीजन, कैल्शियम कार्बोनेट का फिर से बता दो, ठीक है, इसमें कौन कौन से एलिमेंट है, वन इज कैल्शियम, वन इज कार्बन, वन इज कैल्शियम ऑक्सीजन, ऑक्सीजन थ्री एलिमेंट्स प्रेजेंट है, ठीक है बच्चे। अब जो फॉर्मूला हमने उसके टेस्ट में थे, मैं वो दोबारा रिवाइज करवा लेती हूँ, वो देख लो, अमोनियम कार्बोनेट, नाउ टेल मी व्हाट इज द फार्मूला ऑफ अमोनियम, इट इज अ फिक्स्ड फार्मूला, व्हाट इज द फार्मूला, NH4 अमोनियम कार्बोनेट, CO3 2 negative. So what will happen? यहाँ पे आ जाएगा NH4, उसका अपना 2 bracket लग गया, then CO ammonium carbonate.
इसके बाद हम मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम मैग्नीशियम मीन्स एमजी, बाइकार्बोनेट HCO नेगेटिव, मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर 12, इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन 2A2, वैलेंसी विल बिकम Mg2 पॉजिटिव, HCO3 नेगेटिव, दिस विल कम हियर एंड द फार्मूला विल बिकम MgHCO3। अब ये टू यहां लग रहे तो वी हैव टू पुट ब्रैकेट, वी हैव टू पुट द ब्रैकेट हियर, ठीक है। थर्ड था हमारे पास पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड, पोटेशियम इज के एटॉमिक नंबर और सिंबल एटॉमिक नंबर 19, 2A1, दैट इज के पॉजिटिव वन, हाइड्रोक्साइड इज हैविंग अ मिक्स फार्मूला OH नेगेटिव, दिस विल कैंसिल एंड फार्मूला विल बिकम KOH। नेक्स्ट है आपके पास जिंक 2 फॉस्फेट, जिंक 2, अब यहाँ पे जिंक के साथ ब्रैकेट में 2 गिवन है, सो व्हाट वी विल डू, दैट इज 2 पॉजिटिव, राइट। फॉस्फेट की वैलेंसी क्या है, पिच फार्मूला, व्हाट इज द फार्मूला, what is the formula of phosphate betaine, pH negative, PO4 PO3 PO3 negative, so this will come here, this will come here, Zn ke wala things ke pair mein PO4 bracket and 2 जिंक फॉस्फेट। मुश्किल कुछ नहीं था, आप सिर्फ कंफ्यूज हो रहे हो और फिक्स फार्मूला लर्न नहीं है। नेक्स्ट आपके पास कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन सी क्लोरीन CN, कार्बन 6 एटॉमिक नंबर 17, 2 4 2 8 7, C4 पॉजिटिव, CN1 नेगेटिव, दिस विल कम हियर, दिस विल कम हियर, CCl4, दैट इज कार्बन टेट्राक्लोराइड, समझ आया बेटा। मैम अगर हम ये ऊपर वाला पार्ट नहीं करते, जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिखते या वैलेंसी नहीं लिखते, तो हमारे मार्क्स तो नहीं कटते, अगर हमने सिंपली फॉर्मूला लिख दिया याद है तो। नहीं, सिंपल लिखने के दीक्षा, ये भी बार बार मैं रिपीट कर रही हूँ, नो नीड टू प्रैक्टिकल, राइट डाउन इन अ प्रॉपर स्टेप, बिकॉज मार्क्स होते हैं स्टेप के, एंड बाय डूइंग दिस आपकी मिस्टेक्स जो है उसके चांसेस बहुत नेग्लिजिबल हो जाते हैं, व्हेन यू आर जस्ट राइटिंग द फार्मूला। मैम टेस्ट में मैम इसके भी मार्क्स कटे हैं, स्टेप्स कटे एक्चुअली, ठीक है। मैम एक चीज पूछनी है, मैम डीक्रोमेट का मॉलिक्यूलर मास एक बार करके दिखा दो, दूसरे में आ रही है, पोटेशियम डाइक्रोमेट, एक्सक्यूज मी मैम, नंबर 6 Okay, ma'am. Thank you. Potassium K, dichromate Cl2,
प्लस वन हो गया, सी आर टू ओ सेवन टू नेगेटिव, ये क्रॉस हो गए, के टू सी आर टू ओ सेवन पार्शियल डाइक्रोमेट. ठीक है, हम इसका मॉलिक्यूलर मास एक बार बता दो कैसे निकलेगा सीआर टू का, वो अपने टेस्ट में भी नहीं किया. ठीक है, यस मैम. जिंक फॉस्फेट का भी निकाल लो मॉलिक्यूलर मास, अभी हमने फार्मूला बनाया हुआ है ना, उसका भी मॉलिक्यूलर मास लिखो. जिंक का मैंने आपको लिखवाया था 65.38, जिंक का लिखवाया था 65.38 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस फॉस्फेट का कितना होता है, फॉस्फोरस का कितना होता है 31 प्लस 16 इनटू 4 मल्टीप्लाई बाय 2 है ना, अभी कितना हुआ. पता लगा कैसे निकाला मैंने जिंक फॉस्फेट का, जिंक का मॉलिक्यूलर मास लिखा उसके बाद में 3 था मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस फॉस्फोरस का 31 प्लस ऑक्सीजन 16 मल्टीप्लाई बाय 4 ब्रैकेट लगा के देन 2 अंदर वाले को प्लस कर लिया देन मल्टीप्लाई 190 इसको करा टोटल 386.14 यू, दैट इज द आंसर. अगर आपको कॉपर की वैलेंसी नहीं गिवन है, सपोज मैंने एक क्वेश्चन में दिया हुआ था कॉपर हाइड्रोक्साइड और जैसे हमने जिंक के ब्रैकेट में 2 लिखा है एंड इफ इट इज नॉट गिवन इन केस ऑफ द कॉपर ना, तो कॉपर में 2 लेनी है आपने, कॉपर हाइड्रोक्साइड यहाँ पे आपने Cu2 पॉजिटिव OH नेगेटिव दिस विल कम हियर Cu OH टू कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर का आपका मास नंबर था 63.55 प्लस 16 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 मुझे ऐसा लगता है मैं भी पढ़ रही हूँ आप भी कर रहे हैं कुछ भी. राइट